शाह खावर साहब, आप मुझे ये बताइएगा, प्रोग्राम से पहले भी आपने कहा कि इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन का आंसर है, तो सर इसकी वजाहत कीजिएगा प्लीज। देखिए जी, बात यह है कि फवाद चौधरी हमारे दोस्त भी हैं, हमारे कॉलीग भी हैं, हमारे प्रोफेशन से भी ताल्लुक है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, तनकीद करना किसी के ऊपर कोई बुरी बात नहीं है। आप तनकीद करें, जायज़ तनकीद करें, क्रिटिसिज्म करें, लेकिन जब आप एक लिमिट क्रॉस कर लें तो फिर, और वो भी फिर ऐसा एक हजरत जो कि खुद लीगल प्रोफेशन से हैं, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपको आइन और कानून का भी पता है, वहां पे तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी जरा ज्यादा आ जाती है। जैसे कि इमरान खान साहब ने जब वो एक जलसे में आईजी को और डीआईजी को और एक जज साहिबा को जो है वो इस तरीके से ललकारा था, तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो, मैं, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। लेकिन देखें, जब लीडर्स ऐसी बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उसके फॉलोअर्स लेते हैं, तो इसको अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है, उनकी गिरफ्तारी जो है इस तरीके से जैसे की है नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर उनके खिलाफ एक FIR हो गई है तो उसका एक लॉ का पूरा कोर्स है। एक इंसान को अपना जो है पता होना चाहिए कि पहले कि मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज है, और उसका एक राइट होता है कि वो अपनी प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई कर दे कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में, तो बेल तो उनकी अभी भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इतने बड़े एलिगेशन नहीं है, इसको अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी का जो मुजाहरा है वो हर एक को करना चाहिए, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सिटीजन हो।